नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय। साप्ताहिक न्यूज़ के एपिसोड नंबर 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कृषि से जुड़ी पूरे हफ्ते की खबरें क्या क्या सामने निकल कर आई है, उसके बारे में हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहली खबर आ रही है, 12 फरवरी को शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर दी है कि किसानों के खाते में पैसा डल जाएगा। जो बीमा का पैसा है 12 फरवरी को किसानों के खाते में डल जाएगा। इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं जहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है, उसको मैं चला के दिखा देता हूँ आप लोगों को। और ये पिछले साल का जो फसल बीमा योजना है उसका पैसा भी 12 फरवरी को मैं किसानों के खाते में डालने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते दूसरी खबर की ओर। ई उपार्जन के लिए गेहूं पंजीयन का तारीख आ गई है। 5 फरवरी से लेके 5 मार्च के बीच में आप MSP पर अगर आपको गेहूं बेचना है तो उसके लिए पंजीयन करा सकते हैं। 1 महीने का समय दिया गया है यहाँ पे सरकार की ओर से आप सभी लोगों को, तो आप पंजीयन अवश्य कराइएगा। तीसरी खबर आ रही है दोस्तों प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से, जहाँ पर मैंने पिछली खबर में आपको बताया था कि खबरें आ रही थी कि 6,000 रुपये से बढ़ा के 8,000 रुपये हो सकती है सम्मान निधि की राशि, पर बजट में ऐसा कुछ हुआ नहीं है दोस्तों। फिर एक और इससे जुड़ी दूसरी खबर आ रही है जो कि 11वीं किस्त से जुड़ी हुई दोस्तों। अभी खबरें आ रही हैं सामने निकल कर कि 11वीं किस्त अप्रैल माह के पहले हफ्ते में हमें किसानों के खातों में देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। केन बेतवा परियोजना के अंतर्गत 44,605 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत 9,00,000 हेक्टेयर से अधिक रकबे को सिंचाई का पानी प्राप्त होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर दोस्तों। किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपये की MSP सीधे ट्रांसफर की जाएगी इस बजट में, ऐसा कहा गया है दोस्तों। बढ़ते दोस्तों साप्ताहिक भाव की ओर। क्या भाव इस हफ्ते प्याज और लहसुन के हमें देखने को मिले उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम लहसुन के भाव की बात करें तो लहसुन के भाव में थोड़ा सा हमें सुधार देखने को मिला। अधिकतम भाव लहसुन के 3,500-3,600 रुपये तक भी इस हफ्ते हमें देखने को मिले दोस्तों। अगर हम प्याज के भाव की बात करते हैं तो प्याज भी अच्छा खासा 2,200-2,200 रुपये के आसपास ही इस हफ्ते हमें देखने को मिला है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी साप्ताहिक न्यूज़? अगर साप्ताहिक न्यूज़ अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। हर हफ्ते हम आप सभी लोगों को कृषि से जुड़ी जो भी अच्छी अच्छी जानकारी होती है वो सभी आपको एक वीडियो के माध्यम से हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इस सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया है तो अभी हमारा सेकेंड वीडियो है, तो इसी वीडियो में आप सभी लोगों तक लाते रहेंगे। और भी किसानों को इस चैनल से जोड़े दोस्तों, व्हाट्सएप के माध्यम से इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें कृषि से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।